अगर कहीं भी मिले तो हम लोग चलो इतना ही करो, ये काफी है। ये देखो ये टाउन का हाल है। बिजली माफ़ा, जंगली में भी चोर है, जंगली में भी बिजली माफ़ा, बिजली माफ़ा, बिजली माफ़ा, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। ना डीसी साहब कहीं, ना हमारे एसपी साहब, ना कोई यहाँ हमें देखने के लिए आए कि क्या हालात है। ये समझते हैं कि ये गुजर लोग हैं, गुजर लोग हैं, इनकी आवाज कहाँ आगे जाएगी। हम ये कहते हैं कि बिजली डिपार्टमेंट इस कत्ल का जिम्मेदार है और ये केस कहीं दबाया ना जाए, गरीब समझ के ये केस आगे जाए। गवर्नर साहब को हमारी अपील है कि हमारे हमारे हमारी इस हालात पे नज़र डाल के। गवर्नमेंट तो बड़े बड़े दम दे दिया कि हम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं गुजर बकरवालों के, हमें तो मार रहे हैं बिजली के खंभों के नीचे देकर। ये हमारी हालात है। 360-370 रुपया हमें बिजली वाले लेते हैं, बिलें लाते हैं, हम जमीन बेच कर उनको बिलें देते हैं। तो हमारी तार की हालात ये है। हम डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर साहब को भी और यहाँ के एसपी साहब को भी, कि हमारी हालात को आके देखो। इस टाइम हमारे पास आओ, हमारी आवाज़ सुनो, हमारी क्या मुसीबत में पड़े हैं। बहुत ऐसा हुआ कि जो बिजली की तार लगी है, ये सिंगल तार है जो कि पुलिस ने भी अभी जब्त की। उसके बाद जनाब ये लड़की पानी लेकर आ रही थी, जब हवा हुई तो बिजली गिरी, वो तार इसकी डेट यहाँ ही होगी, ये ज़मीन में सर, इसके बूट भी यहाँ ही हैं। तो उसके बाद ये ऑटो ने उठाई और कुबारे ले गए सर। यहाँ ना कोई हमारा कोई भी नहीं आया यहाँ, ना डीसी साहब, ना एसपी साहब, ना कोई बिजली का ऑफिसर। सर हमें ये बहुत जुल्म है। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि सर इसका उजाला करें। इसका जो घर वाला है सर, उसको एक ही टांग है, वो सर भीख मांग कर अपना गुजारा अपने बच्चे पाल रहा था। तो अभी भी वो सर यहाँ नहीं आया, वो श्रीनगर में है। तो सर पहली बात, दूसरी बात है ये सर, जब ये बिजली हमारे को लगाई